नमस्कार, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल खबर आप तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के सियासी जगत से। भाजपा के पूर्व दिग्गज नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 9 सप्ताह से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आखिरकार उनका निधन हो गया है। उनके प्रारंभिक जीवन की बात हम करें, उनके पिता मूलतः उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले थे और हिंदी और ब्रज भाषा की काफ़ी अच्छी जानकारी उनको थी और वो उत्तर प्रदेश से ग्वालियर मध्य प्रदेश पढ़ाने के लिए रहने लगे। अटल बिहारी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। वहीं उन्होंने अपने पिता से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमरकृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया और उनकी दिशा बदल गई। बीए की शिक्षा उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की कॉलेज ग्वालियर की विक्टोरिया कॉलेज से प्राप्त की और छात्र जीवन में ही वो राष्ट्रीय सभी सेवक संघ के सदस्य बन गए। तब वो राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में एलएलबी करने के लिए चले गए। वहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हुई और उनसे प्रभावित होकर सारा काम धाम छोड़कर पूरा जीवन राष्ट्रीय सभी सेवक संघ के लिए उन्होंने कुर्बान करने का संकल्प ले लिया और उसके बाद ही वो राष्ट्रीय सभी सेवक संघ के एक सदस्य बने और आजीवन उसके साथ उन्होंने काम किया। और 1950 में सक्रिय राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। उसके बाद वो 1955 से 1957 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन पूरी तरह से पराजित हुए। उसके बाद 1957 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जनसंघ के टिकट पर फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत करके लोकसभा पहुँचे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में काफ़ी राजनीतिक संघर्ष किया और आजीवन उन्होंने राष्ट्र की सेवा को समर्पित होने के लिए एक कड़ा संकल्प लिया अविवाहित रहने का और उस संकल्प को उन्होंने अंतिम समय तक निभाया। उसके बाद 3 बार अलग अलग कार्यकाल में वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। आपको पूरी अपडेट और किसी वीडियो के साथ बताएंगे। अटल जी से जुड़े अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल खबर आप तक। धन्यवाद।